खरगोन में विधानसभा चुनाव के लिए चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भाजपा कांग्रेस के साथ अब निर्दलीय दावेदार भी दमदारी जता रहे हैं। इसी तारतम्य में खरगोन विधानसभा से कर्मचारी नेता सुधीर बालकृष्ण शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा। शर्मा आदिम जाति कल्याण विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी होकर कर्मचारी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि जनता का मूलभूत समस्याएं प्राथमिकता से हल करूंगा। सबसे पहले तो मैं खरगोन विधानसभा के का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ने जा रहा हूं और विधानसभा की सारी जनता का आशीर्वाद आपके माध्यम से लेना चाहता हूं कि सारे लोग मुझे आशीर्वाद दें और उसके बाद जो जनहित के मुद्दे हैं उसमें सारे रोड़े जो है खरगोन शहर की तमाम खराब है पूरे विधानसभा की। दूसरा, नर्मदा का लाने का जल का जो वादा बीजेपी कांग्रेस ने बरसों से करती आ रही, दोनों ने आज तक पूरा नहीं किया। तीसरी समस्या हमारी शहर की बहुत बड़ी है, जो बाईपास की जो आज तक नहीं हुई, जिसमें ट्रैफिक बढ़ गया है और आजकल तो बड़वा पुल होने से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दबाव है पुल पे और बहुत परेशानी लोगों हो रही कि किसी भी दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। इस ओर भी ध्यान आकर्षण सरकार का करना था, वो ये जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। वो भी हमको आगे चल के अगर निर्दलीय रूप से मैं लड़के चुनाव जीतता हूँ तो ये भी करूँगा।